नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का हुआ आगाज, सांसद सुशील कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। बोधगया के विभिन्न एसोसिएशन एवं वार्ड पार्षदों ने पुलिस के रवैये के खिलाफ दिखाई नाराजगी। समाचार संकलन करने गए पत्रकारों को पीटा। 15वें युवा नेशनल सब जूनियर बालक और बालिका एवं 56वें पुरुष और 32वें महिला नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 का उद्घाटन आज दिन सोमवार को बोधगया के ऐतिहासिक कालचक मैदान में किया गया। औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार ने दीप प्रज्वलित कर चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। आज दिन सोमवार को बोधगया के विला धर्मशाला में नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पंचायत के वार्ड पार्षद, होटल एसोसिएशन, एनजीओ एसोसिएशन, गाइड एसोसिएशन, टूर्स एंड टेबल एसोसिएशन, रोटरी क्लब बोधगया, व्यवसायिक एवं साहू वर्ग के लोगों के साथ बैठक कर बोधगया के होटल में एक पार्टी के दौरान चार नर्तकियों के साथ छेड़छाड़, मारपीट और कथित दुष्कर्म मामले कि पुलिस की कार्यशैलिया पर उठे सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये तो जानबे करते हैं कि 22 तारीख को घटना कुछ हुआ नहीं और उसको इतना तीर तार पुलिस वाला ने दे दिया ना, उसी से यहाँ के जितने भी नागरिक हैं बोधगया के सब बहुत नाखुश हैं कि कोई घटना नहीं हुआ, कुछ बात नहीं हुआ, इतना तीर तार दे दिया गया। इससे बोधगया की बहुत बदनामी हो रही है, अच्छे अच्छे लोग उसमें हैं, उस लोगों के परिवार को बदनामी हो रही है, उन लोग को बदनामी हो रही है, उसी के विरोध में इसीलिए इसे बैठक किया गया है कि इसका उच्च स्तरीय जांच करा लिया जाए। इसका जांच एसपी स्वयं करें, डीआईजी करें, आईजी करें, कोई करें और इसको दें और जो प्रभारी जो पुलिस वाला इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। अपना परिचय दें। कालीचरण सिंह यादव, पूर्व सचिव डीटीएमसी। आज गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल में जूनियर डॉक्टरों की गुंडागर्दी सामने आई। जूनियर डॉक्टरों ने समाचार संकलन करने गए पत्रकारों को जमकर पिटाई की। अस्पताल परिसर में उन्होंने पत्रकारों पर हॉकी स्टिक और ग्रासे से हमला किया। उन्होंने पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जूनियर डॉक्टरों की पिटाई से एक निजी न्यूज चैनल के पत्रकार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस दौरान अस्पताल प्रशासन पूरी तरह मूक दर्शक बना रहा। जानकारी हो कि कुछ दिन पहले अस्पताल में बच्चा चोरी हो गया था। इस मामले को लेकर पत्रकार अस्पताल प्रशासन की खामियां उजागर कर रहे थे। इसी मामले को लेकर आज जूनियर डॉक्टर भड़क गए और पत्रकारों को की जमकर पिटाई कर दी। तीन दिन पूर्व मगध मेडिकल अस्पताल से बच्चे की चोरी हुई थी, जिसका कवरेज करने के लिए आज हम यहाँ आए थे और जिसका बच्चा चोरी हुआ था उसका उसकी माँ से हम लोग बाइट लिए। उनका कहना है कि मेरा बच्चा चोरी हो गया है, ऊपर से जो अस्पताल प्रशासन के जो डॉक्टर है वो हम लोगों को जबरदस्ती भगा रहा है, उसी कवरेज करने हम लोग यहाँ पहुँचे और अचानक चल 10-12 डॉक्टर आए, जूनियर डॉक्टर अचानक माला शुरू कर दिए और बोल रहे कि हम प्रेस से फिर भी गाली गलौज करते हुए 8-10 डॉक्टर तो बेरहमी से मार, सब हाथी से मारा है, हाथ मोटा लात भूसा से मारा है, पूरा होठ कटा हुआ, पूरा सीना में दर्द है, पूरा माथा मारा है। अभी मामला दर्ज करवा रहे हैं, पुलिस अभी आई है, मामला दर्ज करवाया जूनियर डॉक्टर के खिलाफ।